कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बड़ी दूर से आए। जा कहाँ रहे हो आप? रुको तो सही, हम भी चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ किशोर। सो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी ट्रैवलिंग, ऐसी ब्लॉगिंग जो पूरी की पूरी अनसीन है मेरे लिए। सो फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग तो वैसे बता दूँ आपको, दिल्ली की ही होने वाली है। दिल्ली तक तो मेरे का मना ही था, दिल्ली तक जाने का मना ही था, बिकॉज दिल्ली में बहुत बार घूम चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ भी बना के डाले हुए हैं चैनल के ऊपर। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख भी सकते हो वहाँ पर। एंड इन फ्रेंड्स ने बोला कि दिल्ली से आगे का भी कुछ है सफ़र हमारा, तो फिर मैंने, फिर आपको पता है देखो, घूमना किसको नहीं पसंद है, और मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, फ्रेंड्स ने बोल भी दिया है, बट दिक्कत ये हुई कि मेरा टिकट कंफर्म हुआ नहीं, बिकॉज उन्होंने मुझे एंड टाइम पर ही बोला, थोड़ा लेट बोला था। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा, फिर फ्रेंड्स ने बोला ऐसा कि ऐसा कर रहे हैं, एक बार सारे दिल्ली पहुँच जाते हैं, दिल्ली के बाद, दिल्ली तो नॉर्मली जैसे पहुँच 11-12 घंटे का है सफ़र, तो सारे लोग दिल्ली के अंदर मिल लेते हैं, फिर वहाँ से थोड़ी मस्ती करके फिर आगे की ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो देखते हैं कैसी होगी मेरी ट्रैवलिंग। बस का टिकट मिलता है, फिर ट्रेन का टिकट मिलता है, बिकॉज कंफर्म हुआ नहीं टिकट, तो फिर लास्ट ऑप्शन फिर बस का ही बचेगा। तो देखते हैं बस का मिलता है, फिर ट्रेन का मिलता है, जो भी मिलता है, जैसे मिलता है, मिलते हैं दिल्ली के अंदर और चलते हैं यहाँ से कि कैसे क्या होता है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, कल आफ्टरनून के अंदर यहाँ से निकलते हैं, तो तब तक के लिए बाय, और चलते हैं कल यहाँ से दिल्ली। तो गाइस, अभी आफ्टरनून का टाइम हो चुका है और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, और अपनी एक फ्रेंड से लिफ्ट ली, बिकॉज मेरे जो नज़दीकी बस स्टैंड बोलो या फिर रेलवे स्टेशन बोलो, नॉर्मली 25 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ जाकर देखते हैं क्या मिलता है, मुझे ट्रेन का टिकट मिलता है फिर बस का टिकट मिलता है। यार काम काम के चक्कर में इतना लेट हो गया कि बस का टिकट फाइनली मिला ही नहीं। अब लास्ट ऑप्शन ट्रेन ही बसता है, तो फिर ट्रेन के थ्रू चलो चलते हैं दिल्ली। दोस्तों हम दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचते ही पहले, सबसे पहले मैंने करवाया रूम बुक, बिकॉज कुछ दोस्त मेरे साथ ही मिल गए थे, तो फिर मैं रेस्ट तो कर नहीं पाया, तो हमने रूम बुक करवाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेंगे। पूरे दिन वही हो गया, बहुत सारा एंजॉयमेंट, फिर उसके बाद भूख लग गई, तो फिर मैं तो खाना वगैरह खा के फिर चलते घूमने गए। खाना वगैरह हमारा हो गया, लेकिन भाई दिल्ली आए और रात में नहीं घूमे तो फिर भाई क्या ही घूमे। बट फिर भी हमने घूमना कैंसिल किया और ऐसी जगह घूमने का प्लान किया जहाँ पे दिल को सुकून मिले। तो कौन सी ऐसी जगह है आसपास पता किया, और चलो चलते हैं उस जगह पे। जा रहे हो भाई साहब? बड़ी दूर से। जा कहाँ रहे हो आप? रुको तो सही, हम भी चल रहे हैं, रुको तो सही, अरे रुक तो जाओ यार, मैं भी चल रहा हूँ, रुक जाओ यार, इतना तेज भाग रहे हैं। अच्छा अमेरिका जा रहे हो? ओलंपिक में इतने जा रहे हो आप? ओलंपिक में इतने जा रहे हो? अरे यार छोटे मोटे गेम नहीं, बड़े बड़े। अच्छा तो मतलब दिल्ली से डायरेक्ट अमेरिका? चलो मतलब ये भैया जा रहे हैं अमेरिका, फ्लाइट गई है वहाँ से। अच्छा रोड पे? अच्छा रोड पे चल रही थी। चलो तो ये राहुल गांधी के धर्म भाई, इन्होंने फ्लाइट को रोड पे उतारा है। Wait a minute. Who are you? आप कौन है? आप हाँ जी आप कौन है? ये वो राहुल गांधी के पप्पा के भाई है। राहुल गांधी के, राहुल गांधी के पप्पा के लड़के हैं ये। हाँ जी, तो ये राहुल गांधी के फूफा है ये। अच्छा ये फूफा जी, ओ तभी मैं सोच रहा ये मतलब अमेरिका के इतना जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे। हाँ वही तो ठीक है ना, अमेरिका आते तो आ गया। अच्छा कितने दिन में पहुंच जाएगा अभी? अमेरिका अब 2 घंटे लगेंगे। अच्छा 2 घंटे और लग रहे हैं, चलो ठीक है। ये भी अच्छा शहर है तो दिखा दो आप ये। अच्छा देखने लायक नहीं है शहर? नहीं हम नहीं हंसेंगे आप लोगों पे, क्योंकि ये दिखा तो दो आप लोग। फिर हम भी पहुँच चुके हमारी मंजिल पे जहाँ हमें पहुँचना था। तो दोस्तों फाइनली उस जगह पे आ ही गया जो जगह मेरे दिल को सुकून देती है। बाकी मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूँ बहुत बार, लेकिन इस बार मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, बिकॉज आप लोग दिल्ली आओ और यहाँ नहीं आओ तो फिर बाकी किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भी दिल को सुकून मिल जाता है, ऐसी ही जगह है ये। ऐसे घूमने फिरने की नहीं, बट आप अंदर चल के देखो, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन चलते हैं अंदर और देखते हैं इस जगह को, कौन सी जगह है, अपने फ्रेंड्स से भी पूछ लेते हैं ये तो कौन सी जगह है ये। तो अभी हम कहाँ पहुँचे?
अभी हम गुरुद्वारे बैठे हैं। कौन से गुरुद्वारा? गुरुद्वारा बंगला साहिब। बंगला साहिब चलते फिर अंदर जाके, तो अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर फोन अलाउ नहीं है, कैमरा वगैरह। तो हम थोड़ा सा दर्शन वगैरह करके बाहर के साइड का आपको व्यू दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, नाइट का टाइम है और नाइट के टाइम भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। और अगर हम नाइट के टाइम में आते हैं ना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब आती है, इसलिए मैंने भी नाइट के टाइम, मतलब नाइट का टाइम ही चूज किया यहाँ पे आने का। दोस्तों यही मुझे दिखाना था, आप अंदर से भी देख सकते हो, अंदर वीडियोग्राफी अलग है नहीं, बट मैं अलग होती तो ज़रूर दिखाता आपको, बट आप खुद एक बार यहाँ पे आके ज़रूर जाना, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा ही। आप लोग कहाँ पे घूम रहे हो? पुनीत कहाँ जा रहे हो? कहाँ पे? घर पे? अच्छा, रूम पे। ओके, कल मॉर्निंग, परसों मॉर्निंग तक हमारा। तो आपका होटल कौन सा है, क्या नाम है होटल का, नाम तो बताइए जरा। इंटरनेशनल, सन इंटरनेशनल। अच्छा, तो होटल सन इंटरनेशनल, कैसा है फिर, कैसा लगा आपको होटल? होटल बहुत अच्छा, होटल का 2800 का रूम है आप? ओके, कितने लोग? 6-7 लोग रह रहे हैं एक रूम में। इतना बड़ा रूम है आपका? अगर पूछा जाए तो ना, मैं तो नहीं करता कि हमारा सुबह का चीज कैसी रही, बट अभी हमने साथ में बहुत एंजॉय किया, मतलब काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हमारी बन गई। हम फर्स्ट टाइम मिले हैं दोस्त लोग, लेकिन काफी अच्छा हमारा बॉन्डिंग बन गई है और ये सबसे ज्यादा यादगार रहने वाले, साथ रहे तो हमने काफी एंजॉय किया। बाकी के लोगों को कैसा लगा वैसे? बाकी के लोग कुछ बोल नहीं रहे, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा लगा हमको तो, बहुत अच्छा लगा। अशोक जी आपको कैसा लगा? कल बताऊंगा। कल बताओगे आप? ओके, आप अभी बोलोगे या फिर पिक्सी भाभी जी आ रहे? तो सभी का मूड ऑफ है, तो पैदल ही चल पड़े हम। बहुत ज्यादा मूड ऑफ है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा मूड ऑफ है। तो आज सामने देखिए ट्रक है, सामने आप कहीं भीड़ ना जाओ ट्रक से। देखिए शख्स को गौर से, इनका पर्स चोरी हुआ है। ये चोरी तो हो चुका है, पैदल भी जाना पड़ रहा है, उसमें कम से कम 3-4 हजार रुपए थे, इतनी बड़ी चोट हुई है। तो दोस्तों बीच में करोल बाग भी गए थे लेकिन मैंने दिखाया नहीं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट तो प्रॉब्लम फिर प्रैंक बन गई हमारे लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार के लिए हम डर भी गए थे, बट थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मतलब हो भी जाता है कभी कभी, बट फाइनली भगवान का साथ रहा, ऐसा वैसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। आपको मैं दिखा देता हूँ, जो लोग सोए हुए हैं इनको भी दिखा देता हूँ, एक कैसे सोए, देखो किस तरीके से, मतलब किस हद तक, मतलब सोने का तरीका देखो कैसे कैसे सोते हैं लोग ना, तो इतने मतलब थक गए हैं लोग कि इनको पता ही नहीं कि कैसे सोए हैं। उधर देखो उनके तो पिछवाड़ा के पीछे तकिया आया पड़ा, देखो पता ही नहीं उनको, मुंह खुला है, बेल्ट लगाया हुआ है, मतलब शर्ट वहाँ रहना मतलब फेंक दिया, और इधर देखो ये मतलब इनका कुछ, मतलब इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे सोए। और एक इधर भाई साहब है जो बढ़िया से बिस्तर किया है, ये आप देख सकते हो पूरा बढ़िया। तो देखना नेक्स्ट व्लॉग में बहुत कुछ, अब थोड़ा सा बता देते, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, बस इतना बता देते, इवेंट क्या है कैसा है वो बस उनको नेक्स्ट व्लॉग जानना चाहेंगे, काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहेंगे यहाँ पे, है ना, काफ़ी लोग। फिर तो हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे ना, बट उससे पहले आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप जिससे ना बहुत सी सारी चीज़ें समझोगे ना, एंड कुछ बहुत ही अच्छा आपके लिए होने भी वाला है, तो हम आपकी सपोर्ट उसमें मैं आपका चाहिए प्यार। आज का दिन हम भी समाप्त कर रहे हैं और इस वीडियो के साथ आप भी समाप्त। ठीक है, फिर गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।